लीजिए, एक बार मैं पुनः आपको राजस्थान की सैर कराता हूँ। आज मैं खड़ा हूँ शक्ति, भक्ति, त्याग, तपस्या और बलिदान की भूमि राजसमंद पर। आप सबको पता ही है कि राजस्थान की सबसे विख्यात झीलों में से एक राजसमंद झील, जिसकी नौ चौकी के किनारे पे हम लोग खड़े हैं, दीपावली का एक बहुत विशाल और विराट कार्यक्रम हम लोग यहाँ करने वाले हैं। आप चारों तरफ देखेंगे कि यहाँ पूरा सजावट का काम चल रहा है। जो झील के किनारे पर बने हुए तोरण द्वार है, जो छतरियाँ हैं, उनको पूरी हमने सजाई है। कल यहाँ बनारस से जो आने वाले पंडित जी हैं, वो झील का पूजन करेंगे, झील की आरती करेंगे। मैं आपको एक चीज़ और निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं बार बार आपको अलग अलग जगह राजस्थान की और भारत की सैर कराता रहता हूँ। जब भी आपको मौका लगे, आप नौचौकी झील को जरूर देखें। ये नौचौकी क्यों कहलाती है, इसका भी एक थोड़ा सा गणितीय इसकी वो भाषा है। यहाँ हर सीढ़ी है वो नौ नौ के काउंट में है। हमारी जो इधर की सीढ़ियाँ हैं वो भी नौ के काउंट में है, हमारी उधर की सीढ़ियाँ हैं वो भी नौ के काउंट में है, इसलिए इसको नौ चौकी बोला जाता है। ये पूरी मार्मल और संगमरमर से बनी हुई है, देखने में बहुत खूबसूरत है। आप इधर मेरी तरफ देखें, दूसरी तरफ पहाड़ आपको नजर आएगा, वहाँ दयाल शाह का किला है। मेरी जो दाई तरफ है वहाँ आपको महाराणा राज सिंह का पैनोरमा, क्योंकि महाराणा राज सिंह ने ही राजसमंद को बसाया था, उनका एक पूरा म्यूजियम यहाँ पे है। मैं आपको कल पूरा इसकी दिल में शेयर कराऊंगा, तो एक बार जरूर आप नौचौकी पे पधारें और देखें कि ये राजस्थान में एक ऐसी खूबसूरती है जिसको देखने के बाद आप आनंदित, आह्लादित और मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। चलिए एक बार मैं आपको पूरी नौचौकी की सैर कराता हूँ।